फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आई एम ऑल्सो रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैं भी रिपोर्ट कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि आज हमारा नया इंडियस पढ़ने का दिन आ गया है, जो कि होगा इंडियस 37। आज हम पढ़ेंगे इंडियस 37। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोविजंस, प्रोविजंस कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, यस गाना नहीं गा रहा मैं, एंड कंटिंजेंट एसेट। ऑल राइट, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इसको थोड़ा सा शेप में डालते हैं। क्या है हमारा नाम? आई नो कि राइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू। प्रोविजंस फॉर कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट, ये हमारा चैप्टर है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसमें दो टॉपिक आज कवर करने की कोशिश की जाएगी। पहला टॉपिक ऑब्वियसली क्या होगा, इसका स्कोप क्या है, आई मीन इसकी, ऐसे कर देते हैं, इसको इधर करते हैं। सिप्स को इंशर्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे को, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। आज हम पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, आज हम बात करेंगे स्कोप एंड स्लैश एप्लीकेशन, यू कैन से कहाँ लगेगा, मतलब स्कोप एंड एप्लीकेशन कहाँ है, क्या इंक्लूजन है, क्या एक्सक्लूजन है, इस प्रोविजन में क्या चीज़ें कवर होंगी, मतलब अपने को क्या पढ़ना है, उसके अंदर क्या पढ़ना है वो बता रहा हूँ मैं। अपने को आज पढ़ना है इंडिया 37, अब उसके अंदर क्या सब सब कैटेगरी बोलेंगे ना, तो स्कोप एंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे इसके मीनिंग के बारे में, आखिर मतलब क्या होता है, जैसे कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है, मतलब इसके नेम के मीनिंग के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू की जाए आज की क्लास। तो आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स, और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। और आप सभी के लिए दो लाइन में पढ़ता हूँ, और वो लाइन क्या है, वो लाइन मेरे को खोजनी पड़ेगी। ठीक है, रुकिए एक सेकंड, रुक जाइए। वो लाइन है, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, लाइन बहुत तगड़ी है बॉस, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना दिया करते हैं, समंदर पे भी पत्थरों का पुल बना दिया करते हैं। मतलब भाई बहुत ही टफ टास्क हो गया ना, बट वी कैन डू दैट। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि टास्क बड़ा है, वी नीड टू टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप, व्हाट यू कैन से बेबी स्टेप फॉर रीचिंग आवर फाइनल गोल, दैट इज ही फाइनल, एंड लेट्स गो टू गेट द गोल। पहला टॉपिक स्कोप और एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है इसका, कहाँ अप्लाई होगा ये हमारा और आपका इंडियस, ये कहाँ अप्लाई होता है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मेरे को थोड़ा सा चाहिए अभी स्पेस इंशर्ट करना होगा, ये रहा, हियर वी गो। तो क्या है इसका एप्लीकेशन, तो दिस स्टैंडर्ड इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट ऑफ द एंटिटी। ये स्टैंडर्ड हमें बताता है कि हम कैसे अप्लाई करेंगे प्रोविजंस को, कंटिंजेंट लाइबिलिटी को, सी और एल मेरा एक ही जैसा लग रहा है, और सी ए कंटिंजेंट एसेट, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी नहीं है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है और एक कंटिंजेंट एसेट है। सो व्हाट वी लर्न, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस इंडियस 37, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये हमें ये सिखाता है कि कहाँ प्रोविजन अप्लाई होगा, कहाँ कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कहाँ पे कंटिंजेंट एसेट अप्लाई होगा एक पर्टिकुलर एंटिटी में। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें इंडियस इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें प्रोविजन कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट का एप्लीकेशन आ जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके और डिटेल में कि इसका आगे का क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा,
ये मेरा स्पेस का बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रहा है भाई साहब, कर क्या रहे हो? चलिए अब बात करते हैं अपने इसकी जर्नल एंट्री। अगर आपको सभी को पता है जर्नल एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोविजन क्या होगी, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बता दे भाई, तू बता दे, बकवास। ओके, मैं ज्यादा बोल रहा था। प्रोविजन ऑफकोर्स क्या होगा, प्रोविजन अकाउंट डेबिट। एकदम बेसिक से बात करेंगे, एकदम चिल पिल होके, इजी पीजी लेके, एकदम आराम से प्रोविजन को डिटेल में पढ़ते हैं अपने। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज। बहुत लोग बता दिए होंगे पहले मन में, लेकिन मैं लिखने में थोड़ा देर कर दिया, दैट सॉरी फ्रॉम माई साइड। प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी एंड वॉट विल बी द नरेशन। एक एक चीज जो क्लास 12 में सीखी थी फिर से बात कर रहे हैं। बींग प्रोविजन क्रिएटेड, नहीं जरूरी भी है हर चीज़ों को पढ़ना, बींग प्रोविजन क्रिएटेड। अब कोई भी चीज़ जैसे कि, जैसे मैंने लिखा प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, इट इज़ नाउ रिफ्रेज, मतलब ये रिफ्रेज हो गया अभी आपके माइंड में और हमारे माइंड में कि भाई हाँ प्रोविजन की क्या है। जर्नल एंट्री हुआ करती थी प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज, नथिंग एल्स। चिल पेल, ओके, कलर अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन। प्रोविजन अकाउंट डेबिट में क्या होता है, डेबिट या तो एक्सपेंस होगा या फिर कोई लाइबिलिटी डेबिट होती है। जनरली यहाँ पे क्या डेबिट होता है, जनरली यहाँ पे या तो एक्सपेंसेस बोल के पीएल में डेबिट हो जाता है, इसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, या तो इसको कैपिटलाइज भी करते हैं। प्रोविजन को एक्सपेंस पीएल में ट्रांसफर करेंगे, मतलब अगर फाइनल अकाउंट की बात करें, आपकी पीएल जब बनेगा तो इसको कहाँ शो करेंगे, एज एन एक्सपेंस इन द पीएल डेबिट साइड। और डेबिट साइड को हम लोग कैपिटलाइज भी करते हैं सम एसेट्स में, मतलब एसेट्स में कैपिटलाइज करते हैं जो जो इंडियस बोलता है उस इंडियस के हिसाब से। वो पर्टिकुलर इंडियस बोलेगा कि नहीं आपको इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, तो आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, देर इज़ नो सच थिंग। अभी हम लोग बात करें कि डेबिट का क्या है यहाँ पे, जो डेबिट वाला गुस्सा हो गया भाई साहब, ओके इट्स ओके इट्स ओके, ठीक है आपको एक्सपेंस में डाल दिया जाएगा, ठीक। एक्सपेंस कहने का मतलब ये है कि प्रोविजन एक्सपेंस में भी जा सकती है और कैपिटलाइज भी हो सकती है, ओके। बट जो कैपिटलाइज वाली बात हो रही है इंडियस में, दैट इज नॉट कवर्ड हियर, सो हाउ कैन से दैट कैपिटलाइजेशन, ओके आई कैन राइट इट लाइक दिस, प्रोविजंस क्रिएटेड। राइटिंग क्या कमाल की मेरी, प्रोविजन क्रिएटेड ऑन एसेट्स आर नॉट कवर्ड हियर, मतलब वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है, मतलब इंड एस 37 में ऐसे लिखा जाए तो इंड एस, थोड़ा सा जूम आउट कर ले भाई, 37 में कवर्ड नहीं है, ओके सिंपल, ओके। कहने मतलब ये है कि जो इंडियस 37 हमारा कवर करता है वो एक्सपेंसेस, जनरली वो प्रोविजन एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस पीएल में चार्ज होते हैं, कैपिटलाइज करने वाले यहाँ पे कवर नहीं होंगे, वो पर्टिकुलर इंडियस जैसे बोलेगा वैसे हमको करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे होगे कि भाई इस भाई साहब के एग्जांपल कुछ बताओ, कि अब बोल लो कैपिटलाइज कैपिटलाइज, लेकिन इसके कोई एग्जांपल तो होंगे, ज़रूर होंगे। जैसे कि हो गया आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस, ये पर्टिकुलर एसेट के ऊपर क्रिएट होते हैं, तो वो एसेट में कैपिटलाइज होंगे या डी कैपिटलाइज होंगे, तो वो हमारे इस पर्टिकुलर इंडेक्स में डील नहीं किए जाते, जो इंडेक्स में होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अभी तक हमने क्या पढ़ा, आराम से एकदम आराम से पढ़ते हैं। इंडियस 37 जिसका नाम है प्रोविजंस कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट, आज का हमारा टॉपिक स्कोप एंड एप्लीकेशन एंड मीनिंग, और भी फर्दर टॉपिक्स
इसमें कवर होंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, ऑफकोर्स पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन में बात करेंगे कि प्रोविज़न एप्लीकेशन, हम मतलब इससे क्या सीखेंगे कि हम कहाँ इसको अप्लाई करना है, कौन सी चीज़ प्रोविज़न है, कौन सी चीज़ करंट लाइबिलिटी, कौन सी करंट एसेट है, तो उसको जानने के बाद हम अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर एंटिटी पे। जनरल एंट्री क्या होती है? जनरल एंट्री होती है प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर लाइबिलिटीज, सो ईजी एंड पीजी। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट जो कि बताना था, इसलिए जनरल एंट्री लिखानी पड़ी कि एक्सपेंसेस और कैपिटलाइजेशन दो टाइप के नेचर के प्रोविजंस डेबिट साइड हो सकता है, तो उसके लिए जो एक्सपेंस साइड है वो यहाँ पे कवर होती है। इतना डिटेल काफ़ी है। कैपिटलाइजेशन के लिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविज़न फॉर इम्पेयरमेंट लॉस जैसे यहाँ पे कवर नहीं होते, ठीक है। बट दो चीज़ें जो कि एसेट से रिलेटेड हैं वो कवर होती हैं, उनमें से पहला नाम है प्रोविज़न फॉर, बताइए आपको अगर याद हो तो, लवी पढ़े याद कैसे हो, प्रोविज़न फॉर डी कमीशनिंग। मैं बताऊंगा क्या होता है, ये क्या राइटिंग लिख रहा हूँ, प्रोविज़न फॉर डी कमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज, रेस्टोरेशन। भाई साहब जूम करो थोड़ा सा, राइटिंग का ऐसा तैसा हो गया। रेस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज, एंड ही लग रहा है ना, ये सारे कवर्ड है यहाँ पे, आर कवर्ड। हेयर का मतलब क्या है? मतलब हेयर का मतलब यहाँ पे इंडियस 37 है, मतलब ऐसा नहीं कि कवर्ड हेयर, हेयर मतलब कौन सा इंडियस में, इंडियस 37। ओके, आपका क्वेश्चन ये होगा कि प्रोविज़न फॉर डीकमिशनिंग क्या होता है, प्रोविज़न फॉर रेस्टोरेशन क्या होता है, ठीक है। बेसिकली कोई भी एसेट जो आपके पास रहता है आप उसको छोड़ के जाते हो, ठीक है, आज नहीं कल उसको छोड़ के जाओगे, तो उसको उसी पोजीशन में रिस्टोर करके जाना होगा। जैसे कि आप कोई भी चीज़ अगर आज लीज पे लिए हो या फिर रेंट पे लिए हो, तो आपका जो लैंडलॉर्ड है या फिर जो आपका फ्लैट का ओनर है वो क्या बोलेगा कि भाई जब छोड़ के जाना तो इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में छोड़ के जाना, तो उसके लिए तुमको या किसी को खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डीकमिशनिंग रेस्टोरेशन एंड उसका एक प्रोविज़न बनाना पड़ेगा कि भाई छोड़ के जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, ठीक है। और इट्स बट इसका जो डेबिट पार्ट है वो कवर्ड है इंडिया 16 में। कहाँ कवर्ड है इसका डेबिट पार्ट? इंडिया 16, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट पार्ट कवर्ड है, डेबिट पार्ट नहीं है, तो क्रेडिट भाई साहब को मैं बताता हूँ कि कैसे। देखिए जैसे कोई भी एक प्रोविजन बनी, प्रोविज़न अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर ड्रॉल, DROL शॉर्ट फॉर्म है, डी कमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटी एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसका मतलब शॉर्ट फॉर्म बनता है जनरली, कि मतलब छोड़ के जाने के वक्त हमें जो खर्चा लगेगा, क्योंकि कोई भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफर रहता है लिमिटेड पीरियड ऑफर मतलब आपको कोई भी ज़मीन जो देता है या फिर फ्लैट देता है, तो आप उस पर 10 साल 15 साल का अगर लीज लेते हो या फिर रेंट पे रहते हो तो उसमें आप बहुत सारे काम कराते हो, लेकिन जो मालिक है वो बोलेगा जब आप छोड़ के जाओगे तो एकदम ऐसे करके जाना, तो उसको वैसे करने के लिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक, कि आप एक कार मैन्युफैक्चरर तो नहीं, बैंकिंग का बिजनेस है आपका, बैंक ब्रांच आप खुलवाते हो, बैंक ब्रांच के लिए एक बैंक को आपने रेंट पे दे दी अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन बैंक वालों को तो भाई बीच में क्या क्या बनवा देते हैं, बहुत सारे डेस्क केबिन, क्या क्या एटीएम लगवा देते हैं अंदर, तो अब वो जब छोड़ के जाएगा वो, तो आप क्या करोगे उसको, तो
तो आप उसको बोलोगे भैया जब छोड़ के जाना तो इसको रिस्टोर कर देना, जैसा था वैसा करके जाना। तो उसके लिए बैंक क्या करेगा, बैंक एक प्रोविजन बनाएगा। तो वो प्रोविजन की यहाँ पे बात हो रही है, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल। और ये जो चीज़ है ये हमारे इंडियस 37 में कवर है, और जो ये चीज़ है वो 16 में कवर है। मैं आपको बस सभी स्कोप के बारे में बता रहा हूँ, आपको ये नहीं बता रहा कि प्रोविजन कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। मेजरमेंट और वो बाकी चीज़ें भी बाद में आएगी, हम बात करें अभी सिर्फ उसके एप्लीकेशन की और स्कोप की, कहाँ तक ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको एक क्वेरी आपको ये भी आएगी कि जो अदर प्रोविजंस बनते हैं, मतलब और भी बहुत सारे इंडियाज में प्रोविजन बनाने के लिए बोला जाता है ना, तो उसका क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि करके थोड़ा सा स्पेस लेते हैं यहाँ पे। हैशटैग सो द प्रोविजंस, जो प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजंस क्रिएट हुए हैं, क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस विथ अदर स्टैंडर्ड्स, अदर स्टैंडर्ड्स। अदर स्टैंडर्ड्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि इंडियस 37 के अलावा आर नॉट कवर्ड हियर। आपको भी यहाँ पे एग्जांपल चाहिए तो फॉर एग्जांपल देखते हैं कि करके। पहला क्या होगा बताइए। अच्छा हम ही बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बात करें तो इंड एस 11, क्या नाम है इसका, पूरा नाम है प्रोविजन फॉर लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन फॉर लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके लॉस के लिए जो प्रोविजन बनाए। दूसरा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अपना प्यारा इंडेक्स कौन सा 12, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऐसे भी लिख सकते थे लेकिन फुल फॉर्म लिखना ज़रूरी है समझाने के लिए, आपके लिए तो वही काफ़ी है। डिफर टैक्स लाइबिलिटीज इंड एस 12 हो गया। फिर आता है इंड एस 17, ये क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर लॉसेज ऑन लीज, प्रोविजन फॉर लॉसेज ऑन लीज। Leases. Okay. And the fourth one we can say, zoom in करता। Fourth one is Ind AS 19. हम क्या बात कर रहे हैं, ब्रॉडर टॉपिक समझ रहे हैं कि स्कोप की बात कर रहे हैं। स्कोप में भी कुछ हम ये बात करें कि जो अदर स्टैंडर्ड्स में प्रोविजंस कवर्ड होते हैं यहाँ पे अब कवर्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं उसमें का प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय को भी बना दे क्या यहाँ पे, ओहो बहुत सारे एम्प्लॉय हैं यहाँ पे। फिर बात आती है पांचवा है आपका इंड एस 103, वो होगा प्रोविजन क्रिएटेड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन, प्रोविजन क्रिएटेड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन। फिर अगला है सिक्स्थ इंड एस, आपको नहीं लग रहा कि हम एकदम सीक्वेंस में लिख रहे हैं आपको, आपके लिए ओके। और इसका है एक इंडियस 104 भी, सीक्वेंस खराब
ये इंडिया 109 एंड 104, ये बात करते हैं दोनों फाइनेंशियल गारंटी की। जो भी है अंडर 109 एंड 104, तो भाई साहब जो इंडियस में बोला है कि आपका प्रोविजन बनाना है, प्रोविजंस क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस विथ अदर स्टैंडर्ड, मतलब दूसरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डेंस से आपका जो प्रोविजन बना है, प्रोविजन क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस विथ अदर स्टैंडर्ड्स आर नॉट कवर्ड हेयर, मतलब उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ का मतलब भाई साहब इस इंडियस 36। अब अदर्स में जैसे कि बात हो रही थी, तो पहला हो गया इंडियस 11, ठीक है, और उसके बाद इंडियस 12, इंडियस 17, इंडियस 19, जूम आउट थोड़ा सा और जूम आउट, इंडियस 103, 109 एंड 104, प्रोविजन फॉर लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, प्रोविजन फॉर लीजेज लॉसेज ऑन लीज, प्रोविजन फॉर लॉसेज, ए प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये दोनों एम्प्लॉय थे, प्रोविजन क्रिएटेड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल गारंटी अंडर 109 एंड 4। अब बस इसमें एक चीज और है जो कि आपको समझनी होगी कि क्या समझनी होगी कि कोई भी एंटिटी, ये हमने बात कर ली, एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट, रिकैप करने में देखो मजा आता है। और अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको एक बार रिकैप करते हैं। इंडियस 37 का नाम क्या है, प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट, इजी पीजी, क्या नाम है, प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटी CNCL, यू कैन से CL फॉर करंट कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, नॉट करंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप एंड एप्लीकेशन एंड मीनिंग, जिसमें हम लोग अभी तक कवर कर रहे हैं स्कोप और एप्लीकेशन। स्कोप एंड एप्लीकेशन मतलब हम कहाँ इसको अप्लाई करेंगे और क्या एक्सक्लूड है इसमें, क्या इंक्लूड है इसमें, ठीक है। एप्लीकेशन सीखना सीख जाएंगे इसको पढ़ने के बाद हम लोग, कि कहाँ प्रोविजन होगा, कहाँ पे कंटिंजेंट एसेट होगा, कहाँ पे कंटिंजेंट लाइबिलिटी होगी। इसकी जनरल एंट्री प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज, और प्रोविजन को हम लोग एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और पीएल में डेबिट करेंगे, ओके। इसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं सम एसेट्स की केसेस में, तो उसके केस के लिए हमें पर्टिकुलर इंडियस में जो डिस्क्रिप्शन होगा एसेट का जो इंडियस है उसको फॉलो करना होगा, ओके। फिर बात करेंगे प्रोविजंस क्रिएटेड ऑन एसेट, जो है वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है, मतलब कि इंडियस 37 डज नॉट कवर द प्रोविजंस विच आर क्रिएटेड ऑन एसेट, ओके। फिर बात आती है प्रोविजन फॉर ड्रॉल, ड्रॉल क्या है भाई साहब, डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज, प्रोविजन फॉर ड्रॉल, ठीक है, वो इंडियस 37 में कवर्ड है, उसका क्रेडिट पार्ट ओनली, नॉट द डेबिट पार्ट। डेबिट पार्ट इंडिया 16 में कवर्ड है, उसका क्रेडिट पार्ट यहाँ पे कवर्ड है। क्रेडिट पार्ट मतलब टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, रेस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज, ये डेबिट होगा तो वो दूसरी जगह, मतलब आधा आधा बांट लिया है हमने मतलब इंडिया 37 एंड इंडिया 16 में। कुछ इंडियस जो हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो खुद क्वालिफाई करते हैं कि मतलब कि वो लोग खुद बताते हैं कि कितना प्रोविज़न कैसे बनाना चाहिए, तो उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी और उसको एज इट इज़ रहेगा, जैसे कि इंडिया 11, 12, 17, 19 एंड 103, 109 एंड 4, तो ये अभी तक हमने कवर किया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे अगला पॉइंट, तो चलिए सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। अभी रिकैप करना ज़रूरी था, देखो एक बार पढ़ लेने से क्या होगा ना, अभी रिकैप करने से क्या होगा कि पता चल गया कि अभी तक कहाँ पे है अपने, समझ रहे। अब अगला पॉइंट इसमें कि प्रोविजंस जो हम लोग बनाते हैं, प्रोविजंस क्रिएटेड अंडर इंडियस 37 कैन गेट ऑल्टर्ड, ये ऑल्टर्ड हो सकता है, मतलब इसको बदला जा सकता है। अच्छा ऐसा क्यों होगा,
ऐसा होगा इसलिए ड्यू टू, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बॉक्स वॉक्स बनाने से अच्छा लगता है आपको भी और मुझे भी, बट ये बहुत ऊपर चला गया ना, इधर चाहिए। ड्यू टू, ओके लेट मी राइट, मतलब जो प्रोविज़न हम बनाते हैं इंडियस 37 में वो ऑल्टर्ड हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। अब ऐसा किस लिए? ड्यू टू इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट के बाद जो भी इवेंट ऑकर होता है उसकी वजह से, मतलब कोई ऐसा इवेंट ऑकर हो गया जिससे हमें मतलब हमारे प्रोविजंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें प्रोविज़न की अमाउंट को रिवाइज करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, ये इसका एक पर्टिकुलर इंडेस है जिसका नाम है इंडेस 10। अब इसमें भी इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर डेट में भी दो होता है, एक एडजस्टिंग इवेंट होता है और एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। मतलब किसका एडजस्टमेंट अकाउंट्स में होगा, किसका अकाउंट्स में एडजस्टमेंट नहीं होगा इन दोनों में से, वो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडिया स्टेट में। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि जो भी इवेंट्स ऑकर होता है आफ्टर रिपोर्टिंग डेट उसके केस में ऑल्टरेशन हो सकता है इन द प्रोविजन अमाउंट, मतलब अमाउंट को रिवाइज किया जा सकता है या बढ़ाया या घटाया जा सकता है एज द केस मे बी। अब मैं एक बार टाइमलाइन बना के दिखाता हूँ, एक बार टाइमलाइन बोले तो ऐसे एक लाइन, और ये रहा आपका रिपोर्टिंग डेट, से ये आपका रिपोर्टिंग डेट है और ये अप्रूवल डेट है, ठीक है। मतलब जब साइन होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग डेट, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर एंड है 31 मार्च, उसे कुछ दिन बाद रिपोर्टिंग डेट रहता है कि यहाँ तक आपको फाइनेंशियल। रिपोर्टिंग डेट क्या होता है? रिपोर्टिंग डेट इज द लास्ट डेट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट, लास्ट डेट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, आपके रिपोर्टिंग पीरियड का वो लास्ट डेट रहता है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करना रहता है, ठीक है। और अप्रूवल डेट क्या होगा? ये डेट ऑफ ऑथोराइजेशन रहता है, यहाँ पे जब साइन होती है, मतलब एक बार जब ऑडिट होता है, ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं वो 31 मार्च तक के आपके बनते हैं, तो रिपोर्टिंग डेट एक होता है जहाँ तक आपको सारी की सारी डेटा को रिपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद अप्रूवल का डेट होता है, ठीक है। अप्रूवल मतलब साइन हो गया, सी का साइन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का साइन, तो वो अप्रूवल डेट है, ठीक है। तो इस केस में आप जब रिपोर्टिंग डेट है तो यहाँ पे आप ऑडिट की ईयर एंड के बाद, ऑडिट करने के बाद आपको यहाँ पे लगा, या फिर जो कंपनी है उसको लगा कि यहाँ पे प्रोविजन से 10,000 बनना चाहिए आने वाले लॉ शूट के लिए, ठीक है, वो 10K का एक प्रोविजन बना दिया। लेकिन इस ड्यूरेशन में कोई एक ऐसा इवेंट हो गया, से यहाँ पे कोई एक ऐसा इवेंट हो गया जिसके चलते आपको लगा कि जो सामने वाली पार्टी उसको अब 12,000 चाहिए, से लिटिगेशन में वो हो सकता है कि आपका क्लेम उसका बढ़ गया हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? 10,000 का ही प्रोविजन क्रिएट करोगे? जी नहीं, यहाँ पे प्रोविजन आपका 12K हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सपोज करिए आपकी लाइबिलिटी क्या क्या एंट्री रही होगी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे 10K 10K, तो यहाँ पे 2K से इम्प्रूव हो जाएगा प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये अमाउंट आपका चेंज से, अगर ये 10 से 9 हो जाएगा तो यू विल रिवर्स द 1,000, एज सिंपल एज दिस। सो इट इज़ फ्लैक्सीबल टिल द अप्रूवल डेट, ऑथोराइज हो जाएगा तब तक के लिए अप्रूवल। देखो कोई भी प्रोविजन जब बनता है तो किसी इवेंट पे वो डिपेंड रहता है, ठीक है। वो बेसिकली इट इज़ जस्ट एन एस्टिमेट कि हाउ द मच यू आर गोना टू एक्सपेंस, मतलब आप कितना खर्चा करने वाले आने वाले वक्त में। अगर वो खर्चा आपका
चेंज होगा बिफोर ऑथोराइजेशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑथोराइजेशन के पहले आप ऑल्टर कर सकते हो, बस इतना ही। ठीक है, फिर अब बात करते हैं अगला टॉपिक की, अगला पॉइंट की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। अच्छा, बीच में बोलना पड़ता है, ऐसा क्यों? चलिए ऐसे जनरल पॉइंट देखते हैं एक करके, इसके बारे में इजी पीजी, मतलब एकदम आराम से चलते हैं। जो आप प्रोविजन बनाते हो तो आप जनरल लॉसेस और ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए इसमें प्रोविजन नहीं बना सकते। इंडियस जनरल लॉसेस, जो जनरली आपका लॉस हो रहा है, या फिर ऑपरेशन में आपका जो लॉस हो रहा है, बिजनेस ऑपरेशन में लॉस हो रहा है, उसके लिए आप प्रोविजन नहीं क्रिएट कर सकते। आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें कोई लॉस हुआ तो आप उसके लिए प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते। ये इंडियस 37 बोलता है, मतलब कोई लॉस के लिए आप प्रोविजन बनाने चले आओगे, इंडिया से अलाउ कर देगा, ऐसा नहीं है। आप जनरल लॉस और ऑपरेटिंग लॉस के लिए प्रोविजन नहीं बना सकते। जस्ट सेइंग कि आपको ये पता हो या ना पता हो कि सामने वाला आदमी कौन है, जैसे इस आदमी आप ये हो, ठीक है, चेहरे में चेहरा कैसे बन गया, ठीक है आप हो, ठीक है, और ये आदमी आपको पता नहीं कि कौन है, मतलब आपको ना आपने एस्टिमेट किया कि इसको मेरे को प्रोविजन बना के रखना है कि भाई आने वाले वक्त में मुझे यहाँ पे खर्चा हो सकता है। यू मे और मे नॉट नो दिस पर्टिकुलर पर्सन, देयर इज नो वरी, आप इस आदमी को जानो या ना जानो, आप अपने एस्टिमेट से लग रहा है आपको कि इतना खर्चा होगा तो आपको देना होगा, ऐसा नहीं कि वो आदमी को आपको जानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ लोग का ये भी सवाल आता है कि क्या अक्रूड इंटरेस्ट प्रोविजन है, एक्सपेंसेस क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या प्रोविजन है, क्या क्रेडिटर्स प्रोविजन है, क्या बिल्स पेबल प्रोविजन है। अब ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट एक्चुअल में तो है नहीं, अभी इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है बस, एक्सपेंसेस अक्रूड हुए, आपको पे करना है फ्यूचर में। प्रोविजन भी तो वही बोलता है ना कि फ्यूचर में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आज का प्रोविजन बना के रखो, तो अक्रूड एक्सपेंस भी आपको वैसा लगेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स को भी आपको पेमेंट करना है, बिल्स पेबल को, तो दीज ऑल आर नॉट प्रोविजन्स, ये प्रोविजन्स नहीं है। प्रोविजन्स अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि होगा अगला पॉइंट, एक और एक्सक्लूजन इंक्लूजन की बात करेंगे। इसमें दो चीजें हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर थ्रूपुट और टेक पे कॉन्ट्रैक्ट्स, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स इन डेयर्स नॉट 37 बट 17 में डील किए जाते हैं, ठीक है। ऐसा वैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंडियस 17, बट इसमें लीजेस के बारे में बस लिखा हुआ, तो जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन कि थ्रोपुट और टेक पे कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी प्रोविजन है वो उसमें कवर किए जाते हैं। अब ये क्या होता है थ्रोपुट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आप एक आदमी हो, मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मेरा माल आप प्रोड्यूस करो और मैं आपसे वो माल खरीद लूँगी, ठीक है, और आप और भी कोई माल प्रोड्यूस करते हो, एक्स वाई जेड जो भी हो,
ठीक है, आप मेरा भी एक उसमें ए वाला माल है, इसको भी आप प्रोड्यूस कर दो और मेरे को दे देना, एक कंपोनेंट मान लो आप दे देना। टेक पे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? टेक पे कॉन्ट्रैक्ट्स की भाई मैं आपको कैपिटल दे रहा हूँ, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, कैपिटल मतलब पैसा मैं दे रहा हूँ, आप एक फैक्ट्री सेटअप करो और मेरा ही माल प्रोड्यूस करो, सिर्फ मेरा ही माल बनाओ और मुझे ही कस्टमाइज माल मेरा बनाओ और मुझे ही बस बेचो, ठीक है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको इंडिया 17 में डील होंगे, जस्ट फॉर नॉलेज। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, अगला पॉइंट के बारे में, जो कि होगा, अभी हमने बात किया जस्ट स्कोप एंड मीनिंग के बारे में, अब हम स्कोप एंड एप्लीकेशन, अब बात करेंगे मीनिंग के बारे में। क्या होता है मीनिंग, प्रोविजन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोविजन, प्रोविजन से आप क्या समझते हैं, अगर बात करें हिंदी में तो कि प्रोविजन से आप क्या समझते हैं। थोड़ा हाईलाइटर दे देते हैं इसको, कितना बड़ा शेप्स में थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप, कलर आई नो चॉइस अच्छी होगी। ये प्रोविजन है, ठीक है, इसके मीनिंग की बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा तो हाईलाइट करना पड़ेगा। इसको मीनिंग से बात करने से पहले एक बात आपको बता दें कि प्रोविजंस लायबिलिटीज कब बनती हैं। कोई भी एक प्रोविजन है, ये डेफिनेशन में आएगा इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, एक प्रोविजन लायबिलिटी बन जाती है जब अनसर्टेनिटीज रिगार्डिंग टाइमिंग अमाउंट एंड ऑकरेंस, टाइमिंग अमाउंट ऑकरेंस, ये तीनों खत्म हो जाता है। मतलब आपका टाइमिंग पता चल गया, अमाउंट पता चल गया और ऑकरेंस पता चल गया, ये तीनों की अनसर्टेनिटी जब मतलब शॉर्टेन हो जाएगा, ये तीनों जब शॉर्टेन हो जाता है तो कोई भी प्रोविजन लायबिलिटी बन जाती है। मतलब प्रोविजन आर अनसर्टेनिटीज अबाउट टाइमिंग अमाउंट एंड ऑकरेंस, समझ रहे हैं, मैं डेफिनेशन की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। एक प्रोविजन लायबिलिटी तब बनती है जब उसकी अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग टाइमिंग अमाउंट एंड ऑकरेंस इज सीजेस, मतलब समाप्त हो जाती है, जब वो समाप्त हो जाती है तब वो लायबिलिटी बन जाती है। सो डायरेक्ट कम्स टू द नाउ कम्स टू द डेफिनेशन, व्हाट डेफिनेशन टेल्स अस इज प्रोविजंस आर लायबिलिटीज, इसलिए मैं आपको बता रहा था। डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन बोलता है प्रोविजंस आर लायबिलिटीज विथ अनसर्टेन टाइमिंग ऑकरेंस एंड अमाउंट। ओके, सिंपल एज दिस, प्रोविजंस आर लायबिलिटीज, प्रोविजंस आर लायबिलिटीज विद अनसर्टेन टाइमिंग ऑकरेंस एन अमाउंट, बस यही डेफिनेशन है। प्रोविजंस आर लायबिलिटीज विद अनसर्टेन टाइमिंग, एक ऐसी लायबिलिटी जिसका टाइमिंग अनसर्टेन है, जिसका होना या ना होना अनसर्टेन है, अमाउंट कितना होगा वो भी, ऐसी लायबिलिटी जिसका अमाउंट भी अनसर्टेन है, दैट कैन बी एनीथिंग, और बाद में चेंज भी हो सकता है, जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर कि इट कैन गेट ऑल्टर्ड। सो दिस इज प्रोविजंस आर नथिंग बट आर लायबिलिटीज। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि भाई लायबिलिटीज भी बताओ क्या होता है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन वाजिब है और हम बताना चाहेंगे भी। अब बात करते हैं लायबिलिटीज क्या है, नाउ द क्वेश्चन इज लायबिलिटीज क्या होती हैं। लायबिलिटीज मींस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन
present obligation arising from past events. Oho. Present obligation arising from past events. Okay. Whose settlement is expected by outflow of resources? Kya line hai? Whose settlement is expected by outflow of resources? कहने का मतलब है कुछ हमारे रिसोर्सेज के आउटफ्लो से मतलब देना पड़ेगा तो सेटलमेंट हो जाएगी. हमने बात किया प्रोविजंस क्या है. प्रोविजंस एक लायबिलिटीज होती हैं विथ अनसर्टेन टाइमिंग ऑकरेंस एंड अमाउंट. अब उसमें से लायबिलिटीज क्या होती है. लायबिलिटीज मीन्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट. आज प्रेजेंट में मुझे कुछ ऑब्लिगेशन आ रही हैं हमारी मतलब पुराने पाप से आज मेरे को भुगतना पड़ रहा है. ऐसे अगर देसी टच में सीखना है समझना है तो पुराना पाप आज भरना पड़ रहा है. सिंपल एज दिस. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग मतलब कोई पास्ट में कोई चीज़ हुई है उसका आज हमें. इट कैन नॉट बी पाप, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है. पास्ट इवेंट की वजह से आपने माल पीछे खरीदा हुआ अभी तक पेमेंट नहीं किया तो आपकी लायबिलिटी है. क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, समझ रहे हैं आप. ओके. बट उसकी उसका अमाउंट टाइमिंग और ऑकरेंस सर्टेन रहता है. बट यहाँ पे अनसर्टेनिटीज होगी तब लायबिलिटी तब वो लायबिलिटी प्रोविजन कहलाएगी. समझ रहे हैं आप. तो लायबिलिटीज मीन्स लायबिलिटीज एक ब्रॉडर टर्म है. अब उस ब्रॉडर टर्म में भी एक छोटा सा टर्म आएगा प्रोविजंस जिसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अनसर्टेन. ओके. लायबिलिटीज मीन्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट हुज सेटलमेंट इज एक्सपेक्टेड बाई आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. जैसे आपका क्रेडिटर है उसका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज आपको बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा तो वो हो गया आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. अब बात आती है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है. अब थोड़ा और डीप चलते हैं कि अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है. थोड़ा कलर अच्छा चूज करते हैं. यहां से लेते हैं नीचे इसको. क्या लेयर वाइज एकदम पढ़े आराम से. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज नथिंग बट प्रेजेंट obligation means whose occurrence is certain, जिसका होना निश्चित है. previous event की वजह से आज जो चीजें होनी निश्चित हैं वो liabilities कहलाती हैं. मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या जिसका होना निश्चित है शॉर्टेन है और मोर लाइकली देन और मोर लाइकली देन नॉट. मोर लाइकली देन नॉट मतलब नहीं होने से ज्यादा चांसेस है कि वो हो जाएगा. सिंपल से बात करो जिसका होने का चांस मोर देन 50% रहता है. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार ऊपर से हम लोग देखें कि प्रोविजंस क्या है. प्रोविजंस लायबिलिटीज हैं विथ अनसर्टेन टाइमिंग ऑकरेंस एंड अमाउंट. तो ये वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है अनसर्टेनिटी वाली बात. इसके लिए सर्कल कर देते हैं थोड़ा सा. सर्कल तो बहुत ही भीड़ बनी. ओके. तो ये रहा आपका लायबिलिटीज. उसके बाद लायबिलिटीज मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो अराइज होता है पास्ट में जिसमें ये चीज फिक्स रहती है एक्सपेक्टेड रहती है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा. मेरा मतलब रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा उसको सेटल करने के लिए. अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसका चांसेस मोर देन 50% है.
अब ये ऑब्लिगेशन कैसे अराइज होते हैं, आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाउ दिज ऑब्लिगेशंस अराइजेस। अब ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस कैन बी अराइजेस ड्यू टू लीगल रीजंस, लीगल रीजंस की वजह से कुछ लीगल आपका प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो आपका किसी के साथ, या फिर कोई लॉ बोल रहा हो, या फिर वैलिड एक्सपेक्टेशन, या फिर कंस्ट्रक्टिव रीजन, क्या बोलें इसको, कंस्ट्रक्टिव रीजन। अब ये क्या होता है, ये वैलिड एक्सपेक्टेशन, लोगों को आपने भरोसा दिलाया कि हाँ इतना तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, या फिर आपको आपने कोई एक वैलिड एक्सपेक्टेशन दिया है लोगों को जिसके वजह से, ठीक है, जैसे कि 1 ईयर वारंटी हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो आपने एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट की है, तो वो हो गई ये ऑब्लिगेशन, इसके वजह से अराइज होता है, अराइज ड्यू टू ऑब्लिगेशंस अराइजेस ड्यू टू, मतलब और भी चीजें हो सकती है, मैंने बस दो लिखा है, ठीक है। और डिटेल में जानना है तो आप ये समझिए कि अब आपका सवाल ये होगा कि ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटिंग इवेंट्स मींस द पास्ट इवेंट, इट शुड लीव नो रियलिस्टिक ऑल्टरेशन एक्सेप्ट टू सेटल इट। ऑब्लिगेशन अराइज हुआ ऑब्लिगेटिंग इवेंट से, ऑब्लिगेटिंग इवेंट से। अब ये ऐसा इवेंट है जो कि पास्ट इवेंट माना जाता है, मतलब पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिसका कोई ऑल्टरेशन नहीं है, नो ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन कोई नहीं है एक्सेप्ट उसको सेटलमेंट करने के लिए, मतलब पीछे आपने कुछ ऐसा काम किया जो आज आप उसके लिए ऑब्लाइज्ड हो कि आ उसको आपको पूरा करना ही है, आपकी वो जिम्मेदारी है, वो आपकी मजबूरी नहीं बोलेंगे, उसकी आपको करना ही है, वो जिम्मेदारी है उसको आपको निभाना है। मतलब ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जो आपको सेटलमेंट करने के अलावा और कोई ऐसा रास्ता नहीं, जैसे आपने माल खरीदा तो उसको सेटलमेंट करने के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, मतलब उसको सेटल करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन है कि अब ये ऑब्लिगेशन कौन डिसाइड करेगा, मतलब हु आइडेंटिफाइज ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस को कौन आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, फिर उसके हिसाब से प्रोविजन बनेगा ना। सो क्वेश्चन इज हु आइडेंटिफाइज ऑब्लिगेशंस, तो ये काम कौन करेगा, ये हमेशा मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि क्या ऑब्लिगेशंस हैं। समटाइम्स एक्सपर्ट ओपिनियन भी मांगा जाता है, कोई एक्सपर्ट बुलाया जाता है जिससे हेल्प ली जाती है, बट ये रेयरली होता है। तो सिंपल सा बात, अगर आपको टेल समझाया जाए कहाँ से हम लोग शुरू किया था, ये रहा मीनिंग को मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। पहली बात कि आपको एकदम जस्ट थोड़ा देर फोकस रहिए कि प्रोविजंस लाइबिलिटी कब बनती है, प्रोविजंस लाइबिलिटी तब बनती है जब अनसर्टेनिटी इज रिगार्डिंग टाइमिंग अमाउंट एंड ऑकरेंस खत्म हो जाता है, समझ रहे हो, प्रोविजन टू लाइबिलिटी होने के लिए उसको अनसर्टेन से सर्टेन होना पड़ेगा, इन शॉर्ट। फिर बात करते हैं कि अब प्रोविजन क्या है, प्रोविजन एक लाइबिलिटी है विथ अनसर्टेन टाइमिंग ऑकरेंस एंड अमाउंट, वही बात कि लाइबिलिटी तब बनती है जब अनसर्टेनिटी से सर्टेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन का मीनिंग क्या है, प्रोविजन्स आर लाइबिलिटीज विथ अनसर्टेन टाइमिंग एंड ऑकरेंस एंड अमाउंट। अब ये अनसर्टेनिटी हट जाएगी तो वो लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। बुक्स में लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटी मीन्स एक ऐसा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट से अराइज होता है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज वो सेटल होने की एक्सपेक्टेशन रखता है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऐसी चीज जो सर्टेन होती है, जो मोर देन 50% चांस है कि वो आपको
पे करना ही होगा, ऑब्लाइज्ड हो आप। ये अराइज कैसे होती है? जैसे लीगल रीजन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ है, कंस्ट्रक्टिव रीजन भी हो सकता है, वैलिड एक्सपेक्टेशन आपने क्रिएट की हो किसी के साथ कि हम भाई अब तेरा काम हो जाएगा ऐसा कुछ। ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होता है? अब ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऐसा चीज जो कि पास्ट में हैपेंड हुआ है, आज उसका कोई ऑल्टरेशन नहीं भी, आज जो जिम्मेदारी है वो आपकी, आपको कंप्लीट करना ही एक सोल्यूशन बचा, और कोई उसका सोल्यूशन नहीं। तो समझते आप? ओके, अब बात आती है कि आइडेंटिफाई कौन करता है कि ऑब्लिगेशंस क्या क्या, वो मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ दीजिए या फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है इसके बारे में, ठीक है। अब इसको अगर कंक्लूड किया जाए प्रोविजन को तो कैसे लिखेंगे? इसको कंक्लूड करने के लिए लिखेंगे कि जो आपको जिम्मेदारी, सिंपल से अगर बोले कि जो वो जिम्मा जो आ गया है, मतलब वो लिटिगेशन, वो ऑब्लिगेशन जो आज आ गई है या आ सकती है, जिससे हमें मजबूर कर दिया है कि सभी रास्ते बंद हैं, देखकर ही जाना पड़ेगा, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब कि जैसे मैंने बोला ना, सर्टेन हो गया। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को क्या बोलेंगे अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए? तो आप भाई उसको देना ही पड़ेगा। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कहाँ होता है? पास से अराइज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ द प्रोविजन। सिंपल से अगर आप एक वर्ड इस डिस्कशन से निकालो तो प्रोविजन आर लाइबिलिटीज विथ अनसर्टेन टाइमिंग ऑकरेंस एंड अमाउंट। अब उसमें लाइबिलिटीज आना है, लाइबिलिटीज में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जाना है, फिर उसमें ऑब्लिगेशन जाना है, ऑब्लिगेशन में भी कौन ऑब्लिगेशन डिसाइड करना है, तो क्या लेयर वाइज डिस्कशन हो गया आपका प्रोविजंस का, एकदम इजी एंड क्रिस्टल क्लियर। अब अगला टॉपिक हमारा होगा मेजरमेंट ऑफ द प्रोविजंस, जो कि हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो आज जो हमने बोला था कि आज दो टॉपिक हम कवर करेंगे, दो टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। और कितनी बार और बोलूँगा, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया एंड होप कि आप सब्सक्राइब कर दोगे और शेयर कर दोगे। शुक्रिया, बाय।